अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद नासिर, तुसी वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल सारे पंजाबी। हो सुनाओ, ठीक हो? खैर करिए ते असी भी ठीक हाँ। तो मेहनत करें तो सारे बड़े बड़ा ठीक हो सो। तो आज दा व्लॉग शुरू करें, अल्लाह पाक दा नाम लैके बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो अज असी बनाने लगा बड़ी जबरदस्त जी रेसिपी, क्योंकि रोज़े आ गए हैं। तो रोज़ा दे विच जिहड़ी चीज़ ज़्यादा चलती है, जैसे वह बनाया सी। कीड़ी चीज़ ज़्यादा चलती, कीड़ी चीज़ बनाया सी भला? पकौड़े समोसे बंदा घर बना सकता। तो जेड़े भैन भरा बाहरों लैण की बजाय घर बनाओ, जेड़े भैन भरावां नहीं बनाउंदा, अज असी उन्हें बनाना सिखे सी। बिलकुल सिंपल आसान चिकन पकौड़ा, चिकन पकौड़ा है ना साड़ा बनाना। अज असी बनावांगे चिकन पकौड़ा। तो बिल्कुल आसान और सौखे तरीके नाल, कोई बाहरों चीज़ लैण की जरूरत को नहीं। तो ठीक है, शुरू करिए वीडियो अगे। तो वीडियो असी हुण अगे शुरू करदे आ कि चिकन पकौड़ा बनाना किस तरह है। सब तो पहले साढ़े कोल जी 300 ग्राम चिकन, जिन्हें मैं छोटे छोटे पीसे कर लिया, तुसीं वेख सकदे हो। तो इहनूं मैं गाल लिया, 4 से 5 मिनट में पानी के उबाल लिया, चंगी तरह गल गया। तो थोड़ी जी मैं हल्दी पाई, थोड़ा जहा नमक पाया, तो पानी के गाल लिया। तो 5 से 6 मिनट जो चंगी तरह गल जाता, तो हूँ असं इस बर्तन में पा दसा। बिल्कुल चिकन ठंडा हो गया, गर्म चिकन जो मसाला नहीं बनाना, तो ठंडा हो गया, चिकन भी पा दिता। बिल्कुल आसान तरीके, सौखे तरीके बनावे। तुम पहले मसाला बना लो तो थोड़ी मर्जी, अगर चिकन सट कुत्तों मसाला पा लो तो फिर ही थोड़ी मर्जी, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं, तो सौना ठीक हो गया। तो सब तो पहले असं पसंद है लाल मिर्च, एक जो लाल मिर्च आ गई 1 चम्मच, तो अद्धी चम्मच 1.5 चम्मच इतनी आ गई लाल मिर्च की, अद्धी चम्मच पसंद नमक की, 1 चम्मच पसंद धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गर्म मसाला जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच पसंद काली मिर्च। हुण आ गया जी मैदा, सी पसंद 1 चम्मच हो गई, 2 चम्मच, 3 चम्मच, तो 3 चम्मच अभी पसंद बेसन दी, क्योंकि बेसन के अलावा साढ़े पकौड़े नहीं तैयार होने। 1 चम्मच, 2, 3 चम्मच बेसन दी हो गई। थोड़े जी पिसा चाट मसाला, पैकेट तो मिल जाए आसानी दुकान तो तुसें लै लेना। थोड़े सारे असी दसा साबित धनिया खुशबू कने वेख जी थोड़े जहाँ, तो इन्हू मैं इस तरह चंगी तरह मसल लै तली, तो चंगी तरह मसल के खुशबू कण, तो यह पर क्योंकि उस तरह पकौड़ा का मजा नहीं आता। मसाले साढ़े पूरे हो गए, हूँ असी चंगी तरह मिक्स कर लसा। वेख जी मिक्स करके थोड़ा जो पानी पाना जी, तो पतला नहीं करना जी, गाढ़ा गाढ़ी रखना। तुसा पानी की जगह दही है तो दही पा सकते हो, दही नहीं मिलती तो पानी पा लो। यह मिक्स हो गया, यह मिक्स इस तरह तुम बना लेना जी। तुम मसाला पहले बनाना तो बना लो, अगर मसाला नहीं बनाना तो चिकन भी सट के, तो तुम इन इस तरह मसाला उत्तों सट के बना सकते हो। तो 10 मिनट असी रेस्ट दसा। अच्छा 10 मिनट हो गए, मैं मसाले रला मिला के पानी थोड़ा लाया, चंगी तरह हल किया, तो उस तो बाद मैं 10 मिनट रेस्ट रख छड़ाई। तो हूँ 10 मिनट हो चुके हैं, घ्यू साढ़ा गर्म हो गया। तो हूँ असं 1 पीस पहले सटेना चेक करना भी साढ़ा ये चिकन पकौड़ा खुल तो नहीं रहा, अगर मसालों तो खुल रहा तो फिर थोड़ा जी बेसन और पा लसा। तो 1 पीस मैं सटेना घ्यू के चेक कर लें, घ्यू साढ़ा गर्म हो गया, 1 पीस मैं भी सटन लगा। तो सटन के नाल ही पता लग जाना कि साडा पकौड़ा तो मसाला खुल रहा या नहीं खुल रहा। तो साडा मसाला नहीं खुल रहा तो असीं नाल होर पा देंगे, इस तरह पीस चक के साइड असं चेंज करसा जी, ताकि दो साइड तो बाद थोड़ा हिला जुला लेना, तो फिर साइड चेंज हो जाएगी।
बाकी जी मिसाले पाने बहुत सारे होने जिस तरह अगर बंदा मिसाले पैंदा रहे फिर मिसाले तो बहुत सारे पावन हुए हैं, लेकिन मैं इसका सिंपल बनाया क्योंकि काफ़ी पैर बनाया हैं जिन्हें मिसालों का ज़्यादा पता नहीं होगा और मिसाले फिर उन्होंने मिलते भी नहीं, तो मैं घरेलू मिसाले तो बनाया कि जेड़े साढ़े मिसाले इस वक्त किचन में मौजूद है। बाकी तुम पानी की जात दही भी पा सकते हो, तो चिकन में पहले चंगी तरह 4 to 5 मिनट पानी के बेच गाल लिया है। तीन तो 4 मिनट हो गए हैं तो चिकन पकौड़े साढ़े तैयार हो गए हैं, इन्होंने तू ला लगा ठीक है ये भी तैयार हो गए हैं। मिसाला जी साढ़ा जबरदस्त रुकया बिल्कुल नहीं लगता मिसाला साढ़ा ए सुन के खास हो गया ए रख लै इसी तरह से दुए पूरी बना लो लो जी 3 to 4 मिनट साढ़ा दूसरा पूरी तैयार हो गया। तैयार हो गए इन्हों कल लसा तो बकाया जो साढ़े को भी अभी इसी तरह बना लसा अच्छा जी पकौड़े साढ़े तैयार हो गए। चिकन पकौड़ा बिल्कुल बनाना आसान है तुम वेख ले 5 मिनटें तैयार तो बिल्कुल आसान है सारा घर दिन चीज़ें तो सिर्फ चिकन तुम बाहर लेना तो पकौड़े थोड़े बेहतरीन घर पर तैयार अगर मेहमान आ गए अचानक तुम बना सकते हो और अफतारी दे बहुत ज़्यादा मजा करेंगे तो अफतारी दे इन्हों का होना ही बड़ा जरूरी ना तो हूँ कैचअप ना ला सकते हो और दूसरा चटनी इस्तेमाल कर सकते हो वो तुम्हारी मर्जी कैचअप ना खाओ या चटनी ना खाओ तो बड़ा ही मज़ा आ खाने ठीक है जी पकौड़े साढ़े तैयार हो गए तो जरूर एक दफा तुसें ट्राई करने बिल्कुल सौखे ते आसान चिकन पकौड़ा बाजार तो अच्छे तो हूँ अपने भाई नासिर इजाजत दो दोनों याद रखे मिलने तक अगली वीडियो खुदा हाफिज़।